नमस्कार दोस्तों, चेतन हर्बल्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गर्मियों में इन मसालों का ज्यादा सेवन करने से बचने के बारे में। खाना पकाते समय मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, पर मसालों का इस्तेमाल करते वक्त मौसम का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर मसालों का खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होती है। गर्म मसालों का ज्यादा सेवन पूरी सेहत को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं इस मौसम में खाना पकाते समय और खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, गर्मियों में ज्यादा अदरक खाना ठीक नहीं। यूं तो अदरक खाने से ढेर सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन ज्यादा अदरक खाने की वजह से पेट खराब हो सकता है। ऐसे में गर्मी के मौसम में सीमित मात्रा में अदरक खानी चाहिए। दो, ज्यादा लहसुन कर सकता है शरीर में गर्मी। लहसुन पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, लेकिन गर्मियों के मौसम के दौरान इसका ज्यादा सेवन करने पर शरीर में गर्मी और पसीने आने शुरू हो जाते हैं। वजह लहसुन की तासीर का गर्मी होना भी है। तीन, ज्यादा मिर्च का सेवन करने से बचें। गर्मियों के मौसम में मिर्च का ज्यादा सेवन करने से पेट में जलन जैसी समस्या शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं, ज्यादा लाल मिर्च खाने से शरीर में जरूरत से ज्यादा पसीने आने लग जाते हैं। यह लूज मोशन की वजह भी बन सकता है। चार, ज्यादा अजवाइन कर सकती है पेट खराब। गर्म तासीर वाले अजवाइन को गर्मियों में खाने से पेट खराब हो सकता है। यही कारण है कि इस मौसम में ज्यादा अजवाइन खाने से बचने की सलाह दी जाती है। पाँच, अत्यधिक हल्दी ठीक नहीं। हल्दी का अत्यधिक सेवन करने से शरीर में गर्मी पैदा हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है, जिससे पाचन संबंधी विकार जैसे कब्ज और दस्त हो सकते हैं। लगातार ऐसे ही घरेलू नुस्खे से अपडेट रहने के लिए हमारी चैनल चेतन हर्बल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मनपसंद जानकारी के लिए कमेंट करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।